आदरणीय युवराज सिंह जी, जम्मू के सांसद मान्यवर गुरु किशोर जी, ऑर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री अनिश जामवाल जी, यहां पर उपस्थित बीएसएफ के सभी अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधि, बहादुर जवान एडीजी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री राहुल अंगद जी, जम्मू टूरिज्म के डायरेक्टर और सभी अधिकारी यहां पर उपस्थित, भाइयों बहनों तथा मित्रों, आज एक ऐतिहासिक क्षण हम सबने अपनी आंखों से देखा। मैं बात शुरू करूं इससे पूर्व, आज बापू और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मजयंती है, और आज के दिन मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में सीमा सुरक्षा बल रिट्रीट सेरेमनी के साथ एक ऐतिहासिक शुरुआत भी हो रही है। इन दोनों महान विभूतियों ने हमने अपने विचारों से, कर्मों से, सामंजस्य के पालन का लक्ष्य बताया। जो हमारा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा, यानी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा, तब हमें उन सभी अमर शहीदों और वीरों को याद करना भी हमारा कर्तव्य आज के दिन बनता है, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को निभाते अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान किया। मैं उन सभी बहादुरों को नमन करता हूं और ऐसे सभी बहादुर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। छत्तीसगढ़ के नागरिकों की तथा जम्मू क्षेत्र के नागरिकों की लंबे समय से अभिलाषा थी कि जिस तरह से बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होती है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी आयोजन। मैं हृदय से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट को और प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों को हृदय से साधुवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाघा रिट्रीट सेरेमनी देखी है, मुझे जमवाल साहब बता रहे थे कि आने वाले दिनों में उससे भी बेहतर प्रदर्शन यहां होगा, ऐसी व्यवस्था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करने वाली। मुझे लगता है कि अब छत्तीसगढ़ पर्यटन के मैप पर या मानचित्र पर केवल जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर में भी, हिंदुस्तान और दुनिया में जाना जाएगा और छत्तीसगढ़ को रोशन भी करेगा। मित्रों, जो दृश्य अपनी आंखों के सामने आप सबने देखा, मुझे लगता है कि जो जोश, जो उत्साह आप प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी यह निरंतर प्रक्रिया रोज चलने वाली है। इस समय और अधिकांश लोग यहां के स्थानीय निवासी थे, या जो लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आने या रघुनाथ मंदिर या बहु देवी का दर्शन करने आने आएंगे, वो भी मुझे लगता है कि शाम को यहां से जो आएंगे। और ये जो अद्भुत दृश्य हम सबने देखा है, आने वाले दिनों में वो भी देखेंगे। आप सबको पता है जम्मू में स्वतंत्रता दिवस लंबे समय से उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे जम्मू कश्मीर में भी उत्साह से मनाया जा रहा है। जम्मू में यह ऊंचा तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है, कश्मीर में भी अब ऐसे तिरंगे अनेक स्थानों पर देश के लोग देख सकते हैं। एक फैसला प्रशासन ने किया, हमारे पुलिस के जवानों ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्स के विभिन्न अवयवों के जवानों ने, आर्मी के जवानों ने, जिन्होंने शहादत दी है, ज्यादातर सड़कें, ज्यादातर फोन भूमि के नाम से जम्मू कश्मीर रखा जाएगा, इसका फैसला हमने किया है। और 15 अक्टूबर से काम शुरू होने जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की अध्यक्षता में एक समिति थी, उन्होंने कुछ नाम फाइनल किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं और ये हम तक नहीं करेंगे ही,
कि हर प्राइमरी स्कूल का गांव के प्राइमरी स्कूल का नाम या तो किसी शहीद के नाम से होगा, अगर वहां शहीद नहीं है तो किसी लिटरेरी या स्पोर्ट्स पर्सन। आप सबको ये मालूम है कि कोरोना की चुनौती अभी खत्म नहीं थी। दूसरी लहर के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में जिस संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में भावना बढ़ोतरी होती जा रही है कि जम्मू कश्मीर अब सबके लिए सामान्य रूप से आने की जगह बन गई। अगर मैं यात्राओं की बात करूं तो 10.5 लाख लोग जुलाई में आए और अगस्त में 11,50,000 और सितंबर में 12,82,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने आए। पर्यटन इंडस्ट्री का सुचेत गढ़ तक विस्तार, मैं समझता हूं पूरे क्षेत्र के समृद्धि का विस्तार होगा। ये सच है कि जम्मू रीजन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे कि निकायों से वो विकसित नहीं हुए। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि जम्मू क्षेत्र के ऐसे स्थान जो अब तक पर्यटन के नक्शे पर अपना स्थान नहीं चिन्हित कर सके हैं, आने वाले 2 वर्षों में देश और दुनिया के लोग जान सकें कि जम्मू में भी ऐसे स्थल हैं, ताकि लोग आएं पर्यटक तो वहां भी घूमने आएं। 15-20 मिनट की आकर्षक परेड सीमा सुरक्षा बल की महान परंपरा एक झलक मात्र, और मुझे उम्मीद है कि टूरिस्ट सिर्फ कार्यक्रम देखकर अपनी योग्यता बीएसएफ की योग्यता का परिचय नहीं करेगा बल्कि कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा भी देगा। अगर मैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ पंक्तियां आपको बताऊं, एक बार उन्होंने कहा था, मैं भारत को चाहता हूं इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसके भूगोल की पूजा करता या कि मैंने इस धरती पर जन्म लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने अशांति के युगों में भी उन जीवन शब्दों को सुरक्षित रखा है जो इसके महान सपूतों की प्रदीप्त चेतना से निकले। मैं मानता हूं इसी भावना के साथ पिछले 56 सालों में, जैसा अभी बताया गया, हमारे सामने 6,000 किलोमीटर बॉर्डर की रखवाली सीमा सुरक्षा बल के लिए मात्र भूगोल का रखवाली नहीं है, हमारे वीर जवानों के लिए हिंदुस्तान का एक ऐसी आत्मशक्ति से भरी हुआ चेतना जिसके लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। अगर हमारे समाज के सभी अंग शक्तिशाली हैं और देश इसमें अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं तो उसका साफ मतलब है कि सीमा पर तैनात हमारे बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और तब 130 करोड़ देशवासी भारतवासी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मित्रों, चाहे जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, आंतरिक सुरक्षा का मसला हो, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, सभी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करके सीमा सुरक्षा बल ने पराक्रमी हिन्दुस्तान और विजयी हिन्दुस्तान के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला रखी। आज जम्मू कश्मीर समृद्धि और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करे, उस दिशा के अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। समावेशी विकास हम सबकी प्राथमिकता, अलग अलग क्षेत्रों में अनेक सुधार किए गए हैं, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार की सहायता से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने यहां उठाए गए। आज जम्मू कश्मीर के युवाओं की शानदार सफलताएं प्रतिदिन सुर्खियों में आ रही हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल का उदाहरण देख रहा हूं, पिछले साल अक्टूबर में अखबारों की सुर्खियों में एक खबर छपी कि श्रीनगर, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, गुरेज, तंगधार में सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवान शामिल हुए। यह भविष्य की ओर उन्मुख युवा शक्ति जो अपने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों के प्रति पूर्णतया सजग, और यह तरक्की का आंदोलन जम्मू कश्मीर के किसी वर्ग विशेष या किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहने वाला। वो समय गया जब क्षेत्रीय आधारों पर संतुलन बढ़ाया जाता। मैं समझता हूं कि सबके साथ पूरी तरह से न्याय हो, हर क्षेत्र के साथ, हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा। सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलकर 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के निवासियों के विकास की गाथा लिखी जाए और दुनिया के सम्मुख जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर पेश की जाए, इस रास्ते पर चलने की कोशिश की जा रही। जम्मू कश्मीर के अनेक क्षेत्रों को आजादी के बाद से पता नहीं किन कारणों से पीछे रखा गया, अब उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई।
और विशेष रूप से 2019 के बाद जिन नीतियों को जमीन पर क्रियान्वित किया जा रहा है उससे समाज के ऐसे अनेक लोग जो अब तक अपना हक नहीं पा सके पहली बार सामाजिक न्याय प्राप्त करने लगे। मैं इस अवसर पर इस क्षेत्र के सभी नागरिकों से श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की त्याग और सेवा भावना भी आत्मसात करने का निवेदन करूंगा। शास्त्री जी ने कहा था, मैं चाहता हूं हर एक शहर का रहने वाला, हर एक गांव का रहने वाला अपने पड़ोसी को देखे कि कहां मुसीबत कौन तकलीफ उठा रहा, और अगर हमें अपने खाने में कुछ कमी करके भी दूसरों को देना पड़े तो उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। मित्रों, हम भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे महापुरुषों के जीवन दर्शन से नए रास्ते बनाने का सौभाग्य मिला है। लेकिन समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते से भटक गए।